एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह जो है उसका एक पर्दाफाश किया गया है, जिसमें कुल 5 आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी की गई है। कुल 6 आरोपियों की इसके अंदर गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। और इसकी जो फर्स्ट हमें जो कामयाबी मिली वो 14 मई को रात को करीब सुबह करीब 2 बजे हमें 3 आरोपी एक अर्टिगा कार में मिले, जिनके पास हमें संदेहजनक संदिग्ध हालातों में मिले एवं सूचना गुप्त सूचना के आधार पर रेड करने पर उनके पास से हमें 291 ग्राम हीरोइन हमें बरामद हुई, जो तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज करके उनका हमने पुलिस रिमांड लिया। 3 दिन का पुलिस रिमांड हमें माननीय न्यायालय से मिला। उन आरोपियों के नाम थे आशिक पुत्र फकरू निवासी खेड़ला, आबिद पुत्र लल्लू निवासी खेड़ला, सचिन गर्ग पुत्र सत्यप्रकाश निवासी मेवली। ये सभी 25 से 30 वर्ष की उम्र के जो युवा हैं जो इस तस्करी में संलिप्त थे। पूछताछ के दौरान इन्होंने यह बात बताई कि ये जो नशा है ये लोग जो प्रोक्योर करते हैं, ये 2 आरोपियों के उन्होंने उसमें नाम लिए। उसमें एक तो एक कपल के रूप में काम कर रहे थे, आरोपिया प्रवीण पत्नी अब्दुल रब उर्फ सेम एवं सेम जो है, एक तो उनसे इनकी डील होती थी और प्रोक्योर जो इनको सप्लाई करता था वो मोहम्मद कुफेजा पुत्र उमर मोहम्मद, जो वार्ड नंबर 1 नूह में रहता है, जिसकी उम्र 29 साल है। तो उनके ऊपर तुरंत हमारी टीमों द्वारा दबिश दी गई और रायपुरी के फ्लैट जो कि सोना में है वहाँ से 15/5 को सुबह करीब 3 से 6 बजे के बीच में रेड के दौरान आरोपी सेम की वाइफ प्रवीण एवं मोहम्मद हुफेजा को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद माननीय न्यायालय से उनका रिमांड लिया गया एवं जो कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई जो NDPS एक्ट के तहत होती है उसकी पालना करने उपरांत मोहम्मद हुफेजा के घर की तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान एवं इसके डिस्क्लोजर के अनुसार करीब 98 ग्राम की हमें हीरोइन उसके घर से हमें बरामद हुई। इसके अलावा मोहम्मद हुफेजा ने बताया कि वो एक जो नाइजीरियन तस्कर है उससे हीरोइन जो है लेके आता है, जिस पर उसकी पहचान पर आरोपी जॉन मार्क पुत्र क्रिस्टन निवासी सेक्टर 56 केंद्रीय बिहार मकान नंबर DX 195 उम्र 46 साल, उसको 17/5 को यानी कि कल शाम को ग्रेटर नोएडा के पास से करीब 5 बजे पुलिस की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया। आज आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा एवं इसकी पुलिस रिमांड लेकर आगे इसमें संलिप्त अन्य लोगों की पूछताछ की जाएगी एवं उनकी भी धरपकड़ की जाएगी। देखिए कुल लगभग 300 ग्राम के आसपास हमें रिकवरी हुई है, जिसकी आप जो मार्केट वैल्यू है करीब 50 लाख 91 ग्राम। हाँ, 391 ग्राम जी, 391 ग्राम जो टोटल रिकवरी है उसकी कुल जो मार्केट वैल्यू है वो करीब 50 लाख रुपए आके जाती है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। इनके अलावा इनसे हमें 5-8 मोबाइल फ़ोन, एक अर्टिगा गाड़ी, एक बाइक R15 भी बरामद हुई है, जिसकी भी हम आगे इनकी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स वो सब देख रहे हैं और इसको भी हम NDPS एक्ट के तहत अगर ये NDPS के संपत्ति से NDPS से अर्जित जो अवैध जो पैसा है उससे अगर अर्जित की गई है तो इसको भी उसके तहत सीज कराया जाएगा। देखिए ये चिंता का विषय है, महिलाओं की इसमें संलिप्तता एवं महिलाओं का खुद ड्रग एडिक्ट होना ये चिंता का विषय है। इस संबंध में पुलिस द्वारा निरंतर अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही है, ताकि नशा मुक्ति की अवेयरनेस कैंपेन एक एन कोड की एक मीटिंग होती है जिसकी जिला पुलिस जो है जिसकी मीटिंग की कन्वेनर है, हम हर महीने उसकी मीटिंग करते हैं, सभी विभागों को उनके कार्य के संबंध में उनको अवगत कराते हैं एवं उनकी समीक्षा करते हैं। चेयरमैन इसके DC साहब जिला स्तर पर रहते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब स्टेट लेवल पर इसकी समीक्षा करते हैं।